सो सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है। अब ये रोड बनाने का काम चल रहा है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रयागराज ऑफिशियल अपडेट में। अभी मैं आप लोग को दिखाने चल रहा हूँ सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य, क्योंकि आने वाले महाकुंभ 2025 में कई सारे ट्रेनें यहाँ चलाई जाएंगी, तो उसका भी विकास किया जा रहा है। और कई ऐसे जंक्शन और स्टेशन वगैरह है, उनका भी निर्माण कार्य चल रहा है, तो वो सबकी वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और अभी मैं फ़िलहाल आप लोग को सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण दिखाता हूँ, क्या इस पर बन रहा है और क्या काम इस पर चल रहा है। तो चलिए देना करते हुए आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं पूरा यहाँ का निर्माण कार्य। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मिलते हैं आपको वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने प्लेटफॉर्म पुराना वाला है। और अभी यहाँ पे ढलाइया का काम के लिए यहाँ पे जाल बनाया गया हुआ है, ये देखिए। और आगे ढलाइया हो भी चुकी है। सुबेदारगंज प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, अब देखिए ये कौन सा प्लेटफॉर्म होता है। चलिए आगे आप लोग को यहाँ से आगे तक का कार्य दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ROB का भी काम हो रहा है और सुबेदारगंज स्टेशन का भी काम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ROB का काम दिखेगा। तो हम लोग फिलहाल सुबेदारगंज स्टेशन पे आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, और ये सामने मेमो ट्रेन लगी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। कई अलग अलग जगह की ट्रेनें हैं। तो सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है। अब ये रोड बनाने का काम चल रहा है कि प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, ये अभी क्लियर नहीं है। और सामने से ROB का भी काम हो रहा है, वो आप लोग को दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं पूरा सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे पत्थर लगाया जा रहा है, जो कि अभी हाल ही में बनाया जा रहा है। बिल्कुल आइलैंड की तरह देख सकते हैं आप लोग। चलिए आप लोग को इसको नीचे से दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओवरब्रिज के लिए बनाया गया हुआ है, यानी इस पार से उस पार क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज बनाया जाएगा, फुट ओवरब्रिज। और इधर यहाँ पे छावनी के लिए बनाया जा रहा है, ये देखिए आप लोग। और छावनी से पहले नीचे फर्श की ढलाइया हो रही है। ये देखिए यहाँ पे फर्श की ढलाइया हो रही है। ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है अभी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पुराना वाला है, ये देखिए, जो कि पहले से डेवलप्ड है। यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल स्टेशन की तरह फर्श वगैरह है पूरा और छावनी वगैरह बनाया गया हुआ है। मेन एंट्री गेट इधर से है,
देखिए निकास और निषेध दोनों दृश्य है। ये अभी ब्रिज हाल ही में बनाया गया हुआ है क्योंकि अभी इस पे पेंट वगैरह नहीं हुआ है। बिल्कुल जंक्शन जैसा इसको बनाया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय पे कई सारे ट्रेनें सुविधागंज से और कुछ ट्रेनें छुके से और बनारस की साइड की जो ट्रेनें हैं वो रामबाग से चलाई जाएंगी, इसलिए सभी स्टेशनों को जंक्शन के जैसा डेवलप किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइड में पत्थर लगा दिया गया है, मतलब ये प्लेटफॉर्म ऊंचा कर दिया गया है और ये नई रेल लाइन बिछाई गई हुई है, नई लाइन बिछाई गई है और यहाँ पे पत्थर लगाया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, इसको इस टाइप का बनाया जा रहा ताकि इस पर पानी वगैरह ना रुके। यहाँ पे इसकी घिसाई भी हो रही है जिससे ये चमक मारेगा। इसके बाद इस पे आपको चेयर वगैरह लगाया जाएगा, बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी, कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको सुविधा मिलेगी। ये कुछ सुविधाएं का रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य, देखिए यहाँ पे पानी के लिए बनाया जा रहा है। और यहाँ से गड्ढा है ये जिसमें से कि पानी वगैरह पास हो सकता है। देखिए जब बरसात का पानी रहेगा अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू पास हो जाएगा। सामने आप लोग दोस्तों देख सकते हैं सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है और ये पुराना वाला प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, इसमें हाल ही में ये नई लाइन एक ही साइड में और एक ही उस साइड में दो लाइन बिछाई गई है और ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिस पे कि छावनी का काम चल रहा है और छावनी बन चुकी है और पत्थर लगाने का काम चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ, जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, यहाँ पे भी छावनी बनाने के लिए यहाँ पे ढलैया किया गया है। पहले यहाँ पे गड्ढा उड्ढा करके ये देख सकते हैं आप लोग ढलैया के लिए ये स्पैन वगैरह सब गाड़ा गया है ताकि
जो हैवी स्पैन होता है उसको झेल सके। ये देखिए यहाँ पे भी गड्ढा किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सिर्फ कुछ ही दूरी पे छावनी बनाई गई है, बाकी ये पूरा खाली है, तो यात्री वगैरह आएंगे तो उन लोग को समस्या होगी, इसलिए छावनी के लिए बनाया जा रहा है। पानी के लिए यहाँ पे फ्रिज लगाया गया हुआ है, देख सकते हैं आप। दोस्तों आप लोग एक नज़ारा ऊपर से देखिए, जो निर्माण कार्य चल रहा है। साइड भी आप लोग देखिए, छावनी बनाने का काम चल रहा है।